एवरीवन, आज हम दिखाएंगे कमल ककड़ी की सब्जी। तो ये देखिए, मैंने कमल ककड़ी लिया, दो तीन इसमें छीले हैं, बाकी ऐसे रखे हैं। तो ये हमने छील के अभी कट करना है, उसके बाद हम सब्जी स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने एक प्याज, एक टमाटर, हरी धनिया, मिर्चा, लहसुन, अदरक ले लिया है। और कमल ककड़ी को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है बाउल में, हल्की से उबाल आ जाएगी। और इसके बाद मैं जार में लेकर मसालों को पीस लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे प्याज, अदरक, शक्कर वगैरह पीस के रख देते हैं। तो देखिए, मैंने इसका पेस्ट बना लिया, रख लिया। और अब इसमें मैं टमाटर डाल के अलग से इसको पीस लेते हैं। तो भाई, इस तरह से बनाइएगा, अच्छी बनती है सब्जी। हमने अब पहली बार ही ट्राई किया है इसको। तो ये मैंने टमाटर, एक टमाटर लिया था, मीडियम साइज का रख लिया। और मैंने देखिए, जीरा, तेज़पत्ता और सूखे मसाले सारे रख लिए हैं नाप के, हल्दी, कश्मीरी मिर्च वगैरह सब कुछ रख लिया है। और मैंने कुकर में डाल दिया है तेल, तेल गर्म होने वाला है, तो लगभग गर्म हो चुका है मेरा पास। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ बनाना। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे तेल में जीरा डालूँगी। तो तेल मेरा गरम हो चुका है और हम इसमें डाल देते हैं जीरा। तो ये देखिए, मैंने जीरा डाल दिया है। जीरा हमको गोल्डन होने तक, थोड़ा सा ब्राउन करके उसमें डाल देना है तेज़पत्ता। तो मैंने यहाँ पे तेज़पत्ता भी डाल दिया है। और तेज़पत्ते, जीरे में हमको कटी हुई प्याज डाल देना है। तो प्याज भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। प्याज को थोड़ा सा आपको ब्राउन करना है। तो थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें हमको अदरक, लहसुन और प्याज मिर्ची की पेस्ट बना के रखकर उसको डालना है। तो प्याज मेरी अभी ब्राउन कम होने लगी, अभी 2 मिनट लगेगा। तो चलिए जल्दी से ब्राउन कर देते हैं। गैस को आपको ज़्यादा तेज नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पर ही रखना है। तो ये देखिए, मैंने भी पेस्ट रखा था पेस्ट के तौर से, इसको अब मैंने कुकर में डालना है। और ये मैंने कमल ककड़ी को थोड़ा सा उबाल के रख लिया है साइड में। तो देखिए, मेरी प्याज हो चुकी है लगभग। और अब इसमें हम डालेंगे अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट। इसलिए राइस हम इसमें डाल देते हैं। देर से सब्जी में आज के फ्राई करना है, जब तक इसमें तेल अलग ना हो जाए तब तक आपको फ्राई करना है। नहीं तो प्याज की ना महक आती है। तो आप इसको मीडियम फ्लेम पे करके मतलब बहुत टाइम तक इसको फ्राई करना है। उसके बाद इसमें हमको जो नाप में मसाला रखता है पहले से, उसको डालना है सूखे मसाले को। ये देखिए, मेरी प्याज पक रही है। और इसमें मैंने लिया है कश्मीरी मिर्च, कलर लाता है, हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच गरम मसाला, थोड़ा सा मैंने मीट मसाला भी लिया है। मीट मसाला ना हो तो आप मत डालिए, गरम मसाला से भी काम चल जाएगा। तो मैंने सब कुछ मिक्स करके इसमें डाल दिया तेल में। और मैं प्याज लहसुन के पेस्ट के साथ साथ इतना मसाला भी फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए, मेरा मसाला भी बहुत जल्दी फ्राई हो जाएगा, क्योंकि मैं पानी नहीं डाली हूँ इसमें। और उसके बाद मैं इसमें एक बड़े टमाटर का प्यूरी बनाया है, तो इसको भी मैं इसमें डाल देती हूँ। तो चलिए, मेरे मसाला दिखाते हैं, ये लगभग पक चुका है। तो साथ में हम टमाटर भी पका लेते हैं। तो मैंने टमाटर भी यहाँ पे डाल दिया और इसको भी साथ ही पका लेती हूँ पहले साथ में। तो ये देखिए, आपको गैस को कम कर देना है और इसको थोड़ी देर के लिए आपको ढक देना है। ढकने से मसाला अच्छे से मिक्स हो जाता है, पक जाता है। तो चलिए, हम इसको ढक देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे। आपको 2-3 मिनट के लिए इसको ढकना है मीडियम फ्लेम पे। तो चलिए, हम ढक देते हैं। तो हो चुका है लगभग 2 मिनट, चलिए खोल के देखते हैं। तो ये देखिए, मेरा अच्छे से मसाला पक चुका है। आपको मसाला बहुत अच्छे से पकाना है गाइस, और सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है कमल की, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, मसाला मेरा तेल छोड़ दिया, अलग ही पकड़ दिया, ठीक है। इसमें गर्म मसाला कर दिया। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक। तो नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल दीजिए।
देना। बस हम एक चम्मच डाल रहे हैं, फिर नमक भी डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखो मैंने इसमें नमक को भी मिक्स कर लिया और फिर थोड़ी देर के लिए ढक दिया है इसको। अब इसमें हम डाल देंगे कमल ककड़ी जो मैंने पहले से उबाल के रखे। इसको आप कच्ची भी बना सकते हैं, फ्राई करके भी बना सकते हैं और उबाल के भी बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसमें कमल ककड़ी को डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और मिक्स करने के बाद इसको हम एक बार थोड़ी देर के लिए और ढक देंगे 2-3 मिनट के लिए, क्योंकि मेरे मसाले में ये अच्छे से ऐड हो गया। तो चलिए हम इसको ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए, ढक के छोड़ देंगे। आप खोल के दिखाते हैं तो मेरा मसाला नीचे चिपक रहा है, मतलब मसाला कट चुका है अच्छे से, नमक पहले ही पड़ा है। अब हम इसमें बस पानी डाल के देखकर कुकर को बंद कर देना है। चलिए हम इसमें डालते हैं पानी। पानी आप थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया पानी। पानी को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। पानी कम लग रहा है, थोड़ा सा मैंने और डाल दिया। पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 5-6 सीटी या और भी लग सकता है, 5-6 सीटी में लगभग हो जाती है सब्जी। तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दिए, हरी धनिया डाल दिए, थोड़ी सी धनिया मैंने साइड में रख लिया बचा के, बाद में डाल देंगे। और अब हमको बंद कर देना है गैस को, नहीं अब हमको कुकर बंद करके सीटी लगा देना है। चलिए लगा देते हैं। 5-6 सीटी पकने के बाद देखिए मेरी सब्जी बन के तैयार हो गई है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो प्लीज़ गाइस एक बार आप भी ट्राई कीजिएगा राधे राधे।